हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्केल हिंदुस्तान में। मैं प्रदीप भावल आज आपको बताऊंगा भाई ये कंडेंसर क्या होता है। भाई कंडेंसर में कैसे कैसे चीज़ें ठंडी होती हैं, चीज़ें क्या ठंडी होंगी। भाई कंडेंसर हम और कूलिंग टावर हम दो जगह लगाते हैं। दो जगह कौन सी होती हैं? एक मेरा वाटर कूल्ड डीजी है या अपना वाटर कूल्ड चिलर है। दोनों जगह हम कंडेंसर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैसे हमारी जो रेफ्रिजरेंट होती है गैस ठंडी होती है और कैसे हमारा कूलेंट ठंडा होता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और ये वीडियो देख के ना आपका माइंड इतना क्लियर हो जाएगा, आप सोचोगे अरे सर ये तो इतना आसान था। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियो हम मिस कर देंगे और हम जो पोस्ट भी डालते हैं, अगर आप ITI डिप्लोमा या BTech किया है और आप चाह रहे हैं मैं आगे ग्रो करूं, आपके पास नॉलेज नहीं है कुछ नहीं, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 100% जॉब मिलती है। और इसके साथ साथ में आपको आप वर्किंग कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसमें भी हम आपकी मदद करते हैं। तो अभी बात करते हैं, हम सीधा सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं। इसमें क्या लगा रहता है? एक पंप लगा रहता है। पंप का क्या काम होता है? वही पंप जी एक जगह से खींच के दूसरी जगह फेंकता है, यही एक पंप का काम रहता है। इसको हम कंडेंसर पंप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर पंप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंडेंसर है, कंडेंसर के ऊपर ये लगा हुआ है। क्यों बोलते हैं इसको? कंडेंसर के ऊपर लगा हुआ है। अभी कूलिंग टावर क्या होता है? कूलिंग टावर हमेशा कहीं ऊंची जगह लगा रहता है, जैसे आप देखा होगा छत के ऊपर है। अगर पंप मेरा बेसमेंट में लगा है तो ग्राउंड फ्लोर पर भी हो सकता है। तो कूलिंग टावर से जो पानी आता है वो अपने आप आता है, फोर्स भी वहां कोई पंप नहीं लगा रहता जो नीचे भेजता है, क्योंकि ऊपर से अगर पानी गिरेगा नीचे ग्रेविटी के थ्रू वो हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए पूरा आप यहाँ पर सिस्टम देख रहे हैं कि कैसे कैसे है, और मैंने एरो के थ्रू भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले कूलिंग टावर में क्या क्या चीजें होती हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। भाई सबसे पहले ऊपर एक फैन लगा रहता है, जिसको बोलते हैं CT फैन, कूलिंग टावर फैन। ये क्या करता है? नीचे से एयर आती है, जैसे यहाँ से जो एयर आती है ना, यहाँ से एयर खींचता है और ऊपर एयर को भेजता है। यहाँ से हमारी ठंडी एयर आएगी और ऊपर की तरफ गर्म एयर जाएगी। अब क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, वो भी थोड़ा सा समझेंगे। भाई कूलिंग टावर का रिक्वायरमेंट क्यों है? कूलिंग टावर की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि मुझे नेचुरल तरीके से पानी को ठंडा करना है। नेचुरल तरीका क्या हो गया? नेचुरल ऐसा हो गया कि जैसे चिलर में हम पानी ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेंट के थ्रू करते हैं, इसमें नेचुरल तरीके से, जैसे भी मैं कह रहा हूँ दूध ठंडा करना है, दूध को ऐसे तड़ाते हैं हम, और या एक बड़ी जगह बड़ी प्लेट में डाल दिया दूध ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह करते हैं हम, इसको नेचुरल तरीके से इसको ठंडा करते हैं। इसमें इसको नेचुरल तरीके से ठंडा करने के लिए एक पंखा लगा दिया, भाई दूध को हम ठंडा करते हैं, भाई अरे हवा से कहीं आ रही हो ना तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, सही आ जाएगा उस दौरान, तो नेचुरल तरीके से उसको हम ठंडा करते हैं। इसमें फिर क्या हुआ कि देखो ये पानी जब आ रहा है इसके अंदर, ये तो देखो रिटर्न जा रहा है, नीचे की तरफ गया, पंप ने खींचा, पंप ने इसके अंदर भेजा, यहां से फिर वापस आ रहा है। देखो यहां से पानी आया, पानी यहां पर ना मैंने क्या किया ना स्प्रिंकलर लगा दिया। स्प्रिंकलर क्या होता है? पानी को फैला दिया भाई, पानी को फैला दिया। पहले एक जगह यूं पानी गिर रहा था, उसको मैंने फैला के गिरा दिया, तो क्या होगा अपने आप ठंडा हो जाएगा आधा। उसके बाद में नीचे क्या लगी रहती है? फिन्स लगी रहती हैं, है ये हमारी फाइबर की ना फिन्स इसके अंदर लगी रहती है। उसमें क्या होता है? पानी बिल्कुल फैल फैल के गिरता है। और कहाँ गिरता है? नीचे यहाँ पर टैंक होता है, ये टैंक होता है नीचे जहाँ पर कूलिंग टावर का पानी खत्म होता है, मतलब इकट्ठा होता है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी के थ्रू, या यूं बोले भी पंप खींच लेता है, तो डबल फोर्स से ये नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ हमारा पानी इकट्ठा हो गया, फिर सबसे पहले स्प्रिंकलर ने भाई पानी फैला दिया, फिर क्या हुआ फिन्स के अंदर से होके गया। अब क्या हुआ भाई, जो फिन्स के अंदर से पानी तो नीचे आ रहा है, मैंने सीटी फैन चला दिया, तो क्या होगा कि जो एयर थी हमारी, एयर यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ एयर जा रही है और पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो एयर उसके कॉन्टेंट में होकर जाएगी भाई, एयर ऐसे उसको लग के जाएगी और एक तो बिखर बिखर के गिर रहा है तो पानी हमारा ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह करके ये पूरा कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर अपना वर्क करता है। इसका भाई मेंटेनेंस कितने, मतलब क्लीनिंग कितने दिन में करनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इसकी कूलिंग जो होती है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं कि कितने दिन में
भाई गंदा हो रहा है आपकी, इधर आंधी तूफान आते हैं तो जल्दी कर लेते हैं, अदरवाइज 15 से 20 दिन या महीने में एक बार इसकी क्लीनिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए। अभी क्या हुआ, कूलिंग टावर का सिस्टम समझ लिया, पंप का काम तो खींचना और फेंकना था। अभी क्या किया कि कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी था आया पंप के पास, ग्रेविटी के थ्रू पंप के पास आया, पंप ने क्या किया, यहां कम प्रेशर था इसने हाई प्रेशर से बनाया इसको और कंडेंसर की तरफ भेजा। यहां देखेंगे आप, इसने इसको कंडेंसर के अंदर भेजा, कंडेंसर के अंदर पानी गया यहां पर, ठीक है। तो कंडेंसर के अंदर ट्यूब्स हैं, तो ये पानी क्या नहीं ट्यूब्स के अंदर से जाएगा ऐसे और यहां से घूम के वापिस ऐसे ऐसे वापिस आएगा और हमारे फिर भाई इसके अंदर से घूमा है तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो गर्म है या जो कूलिंग टावर है वो हमारा ठंडा करने का, इसमें दो चीजें होती है, एक रेफ्रिजरेंट होता है या कूलेंट होता है, दोनों का टेम्परेचर हाई होता है। तो जब इसको ट्यूब के अंदर से जाएगा और इसके अंदर जो दूसरा वाला हिस्सा होता है जो सेल होता है उसके अंदर हमारा कूलेंट या रेफ्रिजरेंट रन करता है तो उससे क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि सर कूलेंट या रेफ्रिजरेंट कैसे मूव करता है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर देखेंगे कि यहां से ये रेफ्रिजरेंट आया, यहाँ पर यहां से ये रेफ्रिजरेंट आया, ये बीच बीच में ब्लॉक्स दे रखे हैं, ऐसे बीच बीच में ऐसे ब्लॉक दे रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे भाई आप ध्यान से देखना इसको कि पानी देखो यहां से पानी आया, यहां तो जा नहीं सकता है, यहाँ बीच में दीवार से ब्लॉक लगा हुआ है तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ फिर ब्लॉक लगा दिया, ये फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो ऐसे ऊपर नीचे करके ये फिर आउट चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भाई जितनी भी ट्यूब्स हैं उनके साथ प्रॉपर टच होके जाता है जिससे कि हमारा कूलेंट या रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है। ये एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसके थ्रू पूरी सारी चीजें ठंडी होती हैं, कैसे कैसे सिस्टम है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, देखो यार एक क्या होता है याद करने का, और एक होता है समझ में आ गया यार बस क्लियर होगी समझ में आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे और चैनल भी हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन है, स्किल्ड हिंदुस्तान स्टोरी है, स्किल्ड हिंदुस्तान होम केयर है, आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलता है आपसे, जय हिंद जय हिंदुस्तान।